आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जौ की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। ये जौ है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसी बाउल से मैंने डेढ़ बाउल जौ को भी धोकर खूब अच्छे से भिगो दिया है पानी में, आधा घंटा हो गया है। और ये एक बाउल दाल है, इसी बाउल से दाल लिया है, तो इसको भी धोकर मैंने भिगो दिया था। चलिए अब बनाते हैं। पहले मैंने जो दाल भिगो कर रखा था उसे कुकर में डाल दिया है। कुकर में डालते समय रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो पहले दाल को डाला है मैंने। अब इस जौ को जो भिगो कर रखे थे इसे भी डाल देंगे। अब डालेंगे पानी इसमें। इस कप से मैंने 4 कप पानी डाला है और इसे चल देखिए इतना ऊपर पानी है, इतना ऊपर पानी है कुकर में। अब डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच से ज़्यादा है थोड़ा, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच से कम है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहते तो ना डालें, थोड़ा सा 2 पिंच हींग मिला लेंगे। देखिए 1.5 बाउल जौ है और 1/2 बाउल से ज़्यादा दाल है अरहर की, और उसमें मैंने इस कप से 4 कप पानी डाला है। अब ढक्कन तो लगा देंगे। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। देखिए कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और 1 सीटी आने के बाद गैस को स्लो कर देंगे और 5 मिनट पकाएंगे। 1 सीटी आ चुकी है। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और 5 मिनट खिचड़ी को पकाएंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब खिचड़ी के लिए छौंका तैयार कर लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और गैस भी ऑन कर देंगे। अब डालेंगे इसमें घी, देखिए घी गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च। अब डालेंगे जीरा, लहसुन, थोड़ा सा हींग डालेंगे, लहसुन को गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब डालेंगे हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है। देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब डालेंगे इसमें खिचड़ी, और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। लीजिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है गर्मा गर्म खाने के लिए। अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए हमारी गर्मा गर्म जौ की खिचड़ी बनकर तैयार है। अब डालेंगे इसमें देसी घी 2 चम्मच। घी डालने से खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। जौ की खिचड़ी बहुत पौष्टिक और हेल्दी होती है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है खाने में। गर्मियों में ख़ास तौर से खाना चाहिए क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने
इसे सर्व किया है दही के साथ और अचार। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।